हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़तूरा 500 के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार ये जो टैबलेट हैं इनके अंदर आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन फार्मूला ड्रग देखने के लिए मिलता है ये आपके किस हारी बीमारी में काम आ जाता है, किस तरीके से आपको इस दवाई के डोजेज लेने चाहिए, तो सारी जानकारी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं इस दवाई के बारे में। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेटिव रहती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो है आज वो है ज़तूरा 500 टैबलेट्स हैं जिनके अंदर आपको जो साल्ट कॉम्पोजिशन फार्मूला ड्रग देखने के लिए मिलता है वो एजोथ्रेमाइसिन आपको देखने के लिए मिल जाता है, वो भी 500 mg के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए इसके अंदर आपको एजोथ्रेमाइसिन ही देखने के लिए मिलता है, वो भी 500 mg के अंदर। इसके अंदर आपको कोई भी अदर साल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये जो एजोथ्रेमाइसिन है ये आपके जैसे कि दांत खाज खुजली हो जाना या ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली दिक्कत परेशानियों में आपके ये काम आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हो जाना आपके दांत खाज खुजली में भी काम आ जाता है। अगर आप इसको जैसे कि बुखार की गोली के साथ खाते हैं एज ए एंटीबायोटिक भी बहुत बढ़िया काम करता है। या आपके गले में जैसे कि खराश हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, नाक में इन्फेक्शन हो जाना, आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाना, मूत्रपात में इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी दिक्कत परेशानियों में भी ये जो दवाई है ये दी जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है आपको, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एजोथ्रेमाइसिन टैबलेट है 500 mg में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करती है आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी में जो भी दिक्कत परेशानी होती है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करने में भी मदद करती है। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी हो गई है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज्ड हुई है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो ये है, अगर आप इसको किसी अदर मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको एक टैबलेट तो मतलब कि आज जैसे आज प्रेजेंट में आपके ने खा ली तो उसके बाद क्या करना है आपको 2 से 3 दिन का गैप देना है बीच में सेकंड वाली टैबलेट को खाने के लिए। आपको मतलब कि डे बाय डे नहीं खानी है, तुरंत जल्दी जल्दी से नहीं खानी है क्योंकि ये 500 mg की टैबलेट है। अगर आपके जैसे कि डॉक्टर ने आपको कंसल्ट किया, आपके डॉक्टर ने आपको बताया आपकी कंडीशन देख के कि आप इस टैबलेट को रोज़ खा सकते हैं तब तो आप इस टैबलेट को रोज़ खा सकते हैं, वरना इसको जो खाने का तरीका है वो यही है कि आज आपने एक प्रेजेंट में एक टैबलेट खा ली उसके बाद आपको 2 या 3 दिन का गैप देना ही पड़ेगा इसको, और आप इसको ताज़ा पानी के साथ खा सकते हैं।